नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा नीरज वोरा, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीरज वोरा भारतीय फिल्म के मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता और संगीतकार थे। उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला, जो कि 1995 में आई थी, इसमें उन्होंने बतौर राइटर काम किया था और अपने काम से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। वोरा द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी अक्षय कुमार अभिनीत खिलाड़ी 420, जो सन 2000 में आई थी, और फिर हेरा फेरी 2006 का भी निर्देशन किया। उन्होंने हेरा फेरी फ्रेंचाइजी, गरम मसाला 2005, भागम भाग 2006, गोलमाल फन अनलिमिटेड सहित कुछ लोकप्रिय बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों की पटकथा और संवाद भी लिखे। भूल भुलैया 2007 में लिखी। अभिनेता के रूप में उनके जो उल्लेखनीय कार्य वो बता देता हूँ। मान 1999 में आई थी, हेलो ब्रदर 1999, खट्टा मीठा 2010, बोल बच्चन 2012। नीरज वोरा का जन्म भुज गुजरात में 22 जनवरी 1963 में एक गुजराती परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मुंबई महाराष्ट्र के एक उपनगर सांताक्रूज में हुआ। उनके पिता पंडित विनायक राय नाना लाल वोरा एक शास्त्रीय संगीतकार और तार शहनाई के समर्थक थे। उनके पिता ने तार शहनाई को शास्त्रीय संगीत के एकल वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया था। बचपन में नीरज वोरा की बॉलीवुड फिल्मों तक पहुंच नहीं थी, जैसे कि वो एक शास्त्रीय संगीतकार के परिवार से थे, फिल्म संगीत सुनने और फिल्म देखने की अनुमति नहीं थी। उनकी माँ प्रेमिला बेन का फिल्मों के प्रति जबरदस्त आकर्षण था और वो अपने बेटे नीरज को चुपके से फिल्म दिखाने ले जाती थी। वोरा मुंबई के खार में प्रसिद्ध पीपल्स ऑन स्कूल में पढ़ाई किए, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों ने पढ़ाई की है, जैसे कि टीना मुनीम, इन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की। उनके स्कूल के कई छात्र उनके पिता द्वारा संचालित संगीत कोचिंग कक्षाओं में भाग लेते थे, जो शास्त्रीय भारतीय संगीत सिखाने पर जोर देते थे, जबकि नीरज चुपके से उन्हें हारमोनियम पर बॉलीवुड गाना बजाना सिखाते थे। इससे नीरज स्कूल में काफी लोकप्रिय हो गए। सौभाग्य से बहुत सारे गुजराती नाटक के दिग्गज उनके पिता के काम का अनुसरण करते थे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, जिसके बाद उनका झुकाव गुजराती थिएटर की ओर हो गया। रंगमंच के लिए उनका प्यार 6 साल की उम्र में ही शुरू हुआ और जब उनके पिता को 13 साल की उम्र में ये पता चला तो उन्होंने वोरा का समर्थन किया और उन्हें अपने जुनून का पालन करने के लिए कहा। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक अभिनेता के रूप में पेशेवर रूप से काम करना शुरू किया और उन्हें नाटक के लिए इंटर कॉलेजिएट पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1984 में उन्होंने केतन मेहता की फिल्म होली के लिए काम किया और बाद में एक टेलीविजन शो छोटी बड़ी बात और सर्कस भी किया। बाद में उन्होंने रंगीला में भी एक अभिनेता के रूप में काम किया, क्योंकि फिल्म निर्देशक जो है सेट को नीचे ले जाना चाहते थे और अभिनेता उपस्थित नहीं थे। नीरज वोरा जिन्होंने पटकथा लिखी थी उन्होंने इस फिल्म को वहीं पे कंप्लीट किया। इस दृश्य को देखने के बाद अनिल कपूर और प्रियदर्शन ने उन्हें विरासत के लिए बुलाया। उसके बाद आमिर खान ने मन और कई अन्य परियोजनाओं के लिए बुलाया। उनका 1992 का गुजराती नाटक अफलातून, जो एक सुपरहिट था, इसको उन्होंने गोलमाल के लिए रोहित शेट्टी के अनुरोध पर रूपांतरित किया। नाटक का लेखन और निर्देशन नीरज वोरा ने किया। 1993 में सर्कस के बाद नीरज वोरा, आशुतोष गोवारीकर और दीपक तिजोरी ने मिलकर पहला नशा नाम की फिल्म बनाई, जिसमें दीपक तिजोरी मुख्य अभिनेता थे, नीरज वोरा लेखक थे और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर नीरज उत्तक के रूप में संगीत का निर्देशन किया। बाद में रंगीला और फिर अकेले हम अकेले तुम, जोश, बादशाह, चोरी चोरी, चुपके चुपके, आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, अजनबी, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी के लिए लिखने के बाद उनका लेखन करियर आगे बढ़ गया।
वोरा के काम की समीक्षा हुई और उन्हें सराहा गया। फिर हेरा फेरी के लिए फिल्म समीक्षक तरुण आदर्श ने कहा कि वोरा के संवाद हमेशा की तरह उत्कृष्ट है। उन्होंने सबसे पहले खिलाड़ी 420 का निर्देशन किया था जो अच्छी नहीं चली। इसके बाद उन्होंने फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया और फैमिली वाला को अपना लिया। फिरोज नाडियाडवाला के लिए आवारा पागल दीवाना और दीवाने हुए पागल लिखने के बाद उन्होंने फिर हेराफेरी के लिए सहयोग किया जिसे सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित किया जाना था, लेकिन तारीखों के साथ सामंजस्य के बाद नीरज वोरा को इसे निर्देशन करने का मौका मिला। नीरज वोरा हेराफेरी 3 का निर्देशन करने के लिए तैयार थे, लेकिन वोरा के साथ कहा सुनी होने के कारण अभिनेताओं जैसे कि जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन और सुनील शेट्टी ने जो है पिक्चर छोड़ने का फैसला किया। बाद में इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया। अहमद खान द्वारा करने का प्रस्ताव रखा गया। वोरा को इस फिल्म में कार्यकारी निर्माता के रूप में बनाए रखा गया, लेकिन अक्टूबर 2016 में उनको स्ट्रोक और दिसंबर 2017 में उनकी मृत्यु के बाद 11 मई 2018 को यह पुष्टि की गई कि हेराफेरी 3 अब इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। लेकिन इंद्र कुमार ने फिल्म छोड़ दी और मूल निर्देशक प्रिय दर्शनी ने पुष्टि की है कि वो 3 मूल पात्र अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को निर्देशित करेंगे। लंबे समय से बीमारी से पीड़ित नीरज वोरा का 14 दिसंबर 2017 को 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभिनेता निर्देशक कथित तौर पर बड़े जबरदस्त दिल के दौरा और फिर मस्तिष्क के स्ट्रोक से पीड़ित होने के कारण 13 महीने तक कोमा में रहे। उन्होंने कथित तौर पर मुंबई के अंधेरी में क्रिटी केयर अस्पताल में सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली। वोरा अक्टूबर 2016 से दिल का दौरा पड़ने के बाद कोमा में जाने के बाद ब्रेन स्ट्रोक के बाद से निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के घर पर रह रहे थे। नाडियाडवाला उसे अपने घर ले आए थे और एक कमरे को मेकशिफ्ट इंटेंसिव केयर यूनिट या ICU में बदल दिया था। नीरज वोरा द्वारा निर्देशित फिल्म रन भोला रन, शॉर्टकट, द कॉन इज ऑन, फैमिली वाला, फिर हेरा फेरी, खिलाड़ी 420। लेखन का कार्य इन्होंने इन फिल्मों में किया। पहला नशा 1993, बाजी 1995, रंगीला 1995, बादशाह 1999, मेला 2000, फिर हेरा फेरी 2000, जोश 2000, खिलाड़ी 420 2000, चोरी चोरी चुपके चुपके 2001, अजनबी 2001, ये तेरा घर ये मेरा घर 2001, आवारा पागल दीवाना 2002, कहता है दिल बार बार, तुझे मेरी कसम, हंगामा, कुछ ना कहो, हलचल, कसाक 2005, गरम मसाला 2005, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, चुपके चुपके, गोलमाल, फन अनलिमिटेड, भागम भाग, फुल एंड फाइनल, भूल भुलैया 2007, शॉर्टकट, चोर चालू है, कमाल धमाल, मालामाल, जालिम। नीरज वोरा द्वारा अभिनीत कुछ फिल्मों के नाम, वेलकम 2015, फटा पोस्टर निकला हीरो, बोल बच्चन, कमाल धमाल, मालामाल, विभाग, तेज, बिन बुलाए बराती, खट्टा मीठा, ना घर के ना घाट के, फैमिली वाला, खुशी, मैंने दिल तुझको दिया, तुमसे अच्छा कौन, कंपनी, ये तेरा घर ये मेरा घर, धड़कन, हर दिल जो प्यार करेगा, जंग, पुकार, मस्त, हेलो ब्रदर, बादशाह, मान, सत्या, दाऊद, फन ऑन द रन, दौड़, फन ऑन द रन, विरासत, अकेले हम, अकेले तुम, रंगीला, राजू बन गया जेंटलमैन, सलीम, लंगड़े पे मत रहो, होली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार रावड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।